तो आज हम लोग आ गए हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ईद स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है शक्कर पारे और जिसे खजूर भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ईद पर हम लोग ज़्यादातर शीर बनाते हैं, उसके साथ छोले वगैरह रखते हैं, तो क्यों ना कुछ स्पेशल रखा जाए इस ईद पर। तो चलिए मैं आपको शक्कर पारे की रेसिपी बताती हूँ। ये बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्ग्रीडियंट्स बहुत ज़्यादा कम रख रखे हैं हमने, और ये जितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ है उतना ही कम समय में बनने वाली चीज़ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया है 250 ग्राम मैदा। इसे हम सूजी, आटा किसी में भी बना सकते हैं। अगर आप मैदा में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादातर मैदा में बहुत अच्छा आएगा, और जो इसकी लाइफ होती है वो हम ज़्यादा दिनों तक इसे चला सकेंगे, रख सकेंगे घर पर, रख कर खा सकेंगे। और जो यहाँ पर हमने चीनी ली है, यहाँ पर हमने ली है 250 ग्राम चीनी, जैसा कि हमने मैदा भी 250 ग्राम लिया है तो उसी हिसाब से चीनी भी ली है। आप भी इसी तरीके से लीजिएगा। अगर आप मैदा की क्वांटिटी जितनी रख रहे हैं उतनी चीनी की भी क्वांटिटी रखिएगा। और जो यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिया है हाफ कप घी, देसी घी। ये देसी घी घर का ही निकला हुआ है, हमने ये हाफ कप लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है चुटकी भर नमक स्वाद अनुसार। और जो यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिया है बेकिंग पाउडर। जैसे कि आप जानते हैं जो इसकी लेयर्स आएंगी ये उसमें बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करेगा, जो फ्लफी होगा वो, तो जो शक्कर पारे को फ्लफी करेगा उसका जब सबसे मेन पार्ट तो यही है बेकिंग पाउडर। और जो यहाँ पर हमने लिया है, यहाँ पर हमने ली है 1 टीस्पून हरी इलायची कुटी हुई। और वैसे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इलायची का, पर कुटी हुई इलायची का टेस्ट अलग ही आएगा, क्योंकि ये कुटी हुई है तो आप देख सकते हैं जो इसके छोटे 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 ये मोटे मोटे से आएंगे खाने में तो ये अच्छा लगेगा उसमें। तो देखा आपने, मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे देखते हैं। तो चलिए अब अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मैदा। हमने एक बड़ा थाल ले लिया है, हम जो तो अब हमने ऐड कर दिया है मैदा। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं देसी घी। तो अब हमें इसे एक सार करना है, मतलब इसे कलेक्ट करना है एक जगह पर, ये आटे की तरह नहीं गूंदना है। इसमें हम ऐड कर देंगे सॉल्ट। जो आटा होता है वो अलग तरीके से गूंदा जाता है, और ये जो है ये अलग चीज़ है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इसमें सब चीज़ अच्छे से ऐड कर दी है, बेकिंग पाउडर, नमक, देसी घी, सब कुछ इसमें ऐड हो चुका है। बस अभी हरी इलायची और चीनी ऐड नहीं हुई है, बाकी सब इसमें हमने ऐड कर दिया है। अभी हम इसे एक साथ कर लेंगे, मतलब एक साथ कलेक्ट कर लेंगे एक जगह पर, इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है, मैं आपसे फिर कहूँगी। और जब ये एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, जब ये एक तरफ हो जाएगा पूरा कलेक्ट, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि आटा गूंदने का अलग होता है और ये अलग होता है। हमें इसे चिकना नहीं करना है। तो ये देखिए इसकी मुट्ठी बनने लगी है। इसी तरीके से हम इसे कलेक्ट करते जाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर कर। तो ये देखिए अभी कलेक्ट होने लगा है एक जगह पर, और अब आप खुद देख सकते हैं आटे में जो हम आटा गूंथते हैं और इसमें कितना डिफरेंस है। इसमें लेयर्स आ रही हैं इसकी, जैसे कि हमने बालूशाही का करा था ना, सेम ऐसे ही है ये भी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पूरा कलेक्ट करते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये सब एक जगह कलेक्ट हो चुका है। ये देखें इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आ रही है, ये देखें। तो अब आपने देखा डिफरेंस कितना है आटा गूंदने में और इसमें। तो बस अब हमने इसे एक जगह कलेक्ट कर लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो बस अब हम इसकी चपाती बनाएंगे। पतली पतली नहीं बनानी है, थोड़ा मोटा मोटा बनाना है। तो ये देखिए थोड़ा टाइट टाइट होने लगा है। तो इसे अब हम प्लेन कर लेते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं सेम ऐसे ही बनाएंगे इसे। इसे अच्छे से बेल लेते हैं, पर इसे हम पतला नहीं करेंगे,
देख सकते हैं हमने इसे प्लेन कर लिया है, जैसे चपाती को बेलते हैं ऐसे ही बेलकर। और ये देखिए इसे मोटा ही रखा है, इसे पतला नहीं करा है। तो बस अब हम इसको कट करेंगे, इसे शेप देंगे। तरीके से कट कर लिया है, जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है पहले उन्हें हम साइड कर देते हैं, इन्हें भी यूज करेंगे। पर पहले थोड़ा फिनिशिंग में इसे अच्छे से ले लेते हैं। छोटे छोटे आप चाहे तो कोई भी शेप ले सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है माशाल्लाह से, और एकदम ये इस ज्यादा पतला नहीं है जो हमने इसे बेला था, इसे हमने मोटा ही रखा है क्योंकि जब खाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ऐसे ही करके हमने इसके बहुत सारे पीसेस बना लिए हैं। आप चाहे कोई सी भी शेप दे सकते हैं, जैसे कि खाजा बनता है वो शेप भी दे सकते हैं आप इसकी। आप इंग्रेडिएंट्स यही यूज करिएगा, पर तभी शक्कर पारे बनेंगे। शेप आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब जो हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया था, अब हम उसे भी ऐसे ही बेलकर ऐसे ही पीसेस में कट कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है अभी हम उसे कट करेंगे। तो इतना हम उसे कट करेंगे तो इतना हमारा जो ऑयल है वो हीट अप हो जाएगा। जो हमें ऑयल गरम करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, ना ही मीडियम रखना है ना ही हाई, इसे लो फ्लेम पर हीट अप करना है। ये धीरे धीरे गर्म होगा, क्योंकि अगर एकदम तेज गर्म होगा और हम इसमें एकदम डालेंगे तो वो जल भी सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें गरम करना है। इतने ये हीट अप होगा, इतने हम वो पीसेस कट कर लेते हैं फिर मैं आपको। अब आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से हीट अप होने लगा है। ये देखिए हमें इतना ही करना है, इसे ज्यादा भी नहीं करना है। अब हम इसमें जो हमने पीसेस कट कर लिए हैं ये सब हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने वन बाय वन इसमें ऐड करते ही जा रहे हैं। तो अभी हम इसे जब तक कि खुद ऊपर नहीं आएंगे, जब तक अभी हम इसे स्पून वगैरह किसी से भी छेड़ेंगे नहीं, ये खुद ही ऊपर आने लगेंगे। जब ये फ्राई होने लगेंगे तो मैं आपको तब दिखाती हूँ। इतना हमें इसे ना ही चलाना है ना ही किसी चीज़ से इसे टच करना है। तो अब आप देख सकते हैं ये ऊपर खुद आ चुके हैं। तो बस अब हम स्पून का यूज़ करते हैं और इन्हें साइड में उठा उठा कर रखेंगे, बीच में से उठा उठा कर, ताकि ये खुद ही अपना मतलब फ्लिप करती जाए, ना ही इन पर एकदम से चम्मच ऐसे टच हो जो ये टूटे या कुछ। तो इसलिए हम बीच में से उठा उठा कर इन्हें साइड में करते रहेंगे, ये खुद ही फ्लिप होती रहेंगी तो खुद ही फ्राई होती रहेंगी अच्छे से। तो अभी ये थोड़ा और फ्राई हो जाए, थोड़ा ये कलर चेंज होने लगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जो फ्लेम है वो हम लो ही रखेंगे। मैंने आपको बताया जब हम ऑयल गरम करेंगे, जब से आप लो ही कर दीजिएगा, इसे अभी हाई नहीं करना है ना ही मीडियम करना है, लो पर ही फ्राई करना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर चेंज होने लगेगा। तो अब आप देख सकते हैं 4-5 मिनट हो चुके हैं हमने इसे ऐसे ही फ्लिप करते गए। अब जो है इसका कलर और भी अच्छा है, मतलब चेंज करने के लिए अब हम जो फ्लेम है उसे हाई कर देंगे, ताकि ये अब अच्छे से और फ्राई हो जाए,
क्योंकि जब अगर शुरू में ही हम हाई कर देते हैं तो ये जलने लगते एकदम, अगर फ्लेम हाई रहती और ऑयल भी इतना अच्छे से मतलब ज़्यादा ही हीटअप हो जाता तो बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह से, बड़ा ही प्यारा कलर आ चुका है और आप खुद ही देख सकते हैं पहले में और अब में कितना डिफरेंस है। तो बस अब हम इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे ऐसे छान छान कर, ताकि ऑयल ना रहे, ऑयल अच्छे से रिलीज कर इसमें से इसे बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम तैयारी करेंगे चाशनी बनाने की। जैसा कि आपने देखा हमने शक्कर पारे तो फ्राई कर लिए हैं, अब हम उसके लिए बनाने जा रहे हैं चाशनी। हम चाशनी बनाने वाले हैं एक तार की, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई ले ली है हमने, हमने उसमें ऐड कर दिया है चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और बस फ्लेम को अब ऑन कर देते हैं। अगर पहले ही करते हैं तो चीनी जल भी जाती है, इस वजह से पहले आप पानी और शक्कर ऐड कर लें इसमें अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से कैरेमल कर लेते हैं, अब हम इसे अच्छे से चला लेते हैं ताकि इसमें अच्छे से कैरेमल हो जाए। जब थोड़ी चीनी इसमें कैरेमल होने लगेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इसमें चीनी अच्छे से कैरेमल हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक तार की चाशनी ऑलमोस्ट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची जो हमने कूट ली थी, बस अब हमने इसमें इलायची भी ऐड कर दी। अब हम कर देंगे फ्लेम को बंद। तो हमारी चाशनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो इसका मेजर पार्ट है वो है कि अब हम इसमें शक्कर पारे ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि अच्छे से कवर अप होने लगे इसमें। तो बस अब हमने इसमें शक्कर पारे ऐड कर दिए हैं, अब हम इसे अच्छे से इसमें कवर अप कर देते हैं। और जब तक हम इसमें अच्छे से ये मतलब ऑब्जर्व ना कर ले पूरी चाशनी, तब तक अभी हम इसे डिश आउट नहीं करेंगे। इसे अच्छे से इसके अंदर अंदर तक मतलब इसके जो इनसाइड पार्ट होता है वहाँ तक अच्छे से इसके अंदर शीरा चला जाए, जिसको कहा जाता है शीरा, अंदर से फीकापन ना रहे। इसे अच्छे से डिप कर लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं ये अच्छे से। जब ये जो चाशनी है ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे इसे, आपको खुद ही दिखने लगेगी कढ़ाई खाली खाली, चाशनी ज़्यादातर ये पी जाएंगे। इसे अच्छे से आप लोग भी अच्छे से ही चलाएं ताकि जो अंदर है वो अंदर फीकापन ना आए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये अच्छे से पूरा ही चाशनी ऑब्जर्व कर लेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कितना मतलब काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है इसमें। देखिए इनने जो शक्कर पारे इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया पूरी चाशनी, और जो हमारी चीनी है वो एकदम भूरा भूरा जैसे दिखने लगी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कवर अप हो गई है, और दिखने में जितना टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी होने वाला है। तो चलिए अब हम इसे पहले डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और अब आपको मेरा छोटा भाई टेस्ट कर बताएगा कि कैसा टेस्ट आ रहा है। दिखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्ट होने वाला है या नहीं, तो मेरा छोटा भाई आपको कर दिखाएगा। कैसा लगा अरसलान? अच्छा। कैसा टेस्ट आ रहा है? बहुत अच्छा, मीठा मीठा। बहुत अच्छा लगा? हाँ। तो जैसा कि आपने देखा मेरे छोटे भाई को तो बहुत ही टेस्टी लगा है, तो ऐसे ही आप भी बनाएं। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन सबको अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी मुझे तो बहुत अच्छी लग गई, और गाइस अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। तो चलिए आपने देखा मेरे छोटे भाई को तो बहुत ही अच्छा लगा, अब हम इसे करते हैं डिश आउट, फिर मैं आपको दिखाती हूं। हम इसे डिश आउट करते हैं, इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं ग्लास, अब हम इसमें इसको ऐड करते हैं, ये और भी अच्छा लगेगा जब ये फुल एकदम से फिल हो जाएगा इससे। तो ऐसे ही करके हम पहले दोनों ग्लास में इसे अच्छे से फिल कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं हमने इसे ग्लास में सर्व कर दिया है। अब हम इसे और भी इसका टेस्ट अपग्रेड करने के लिए इस पर ऐड करने वाले हैं पिस्ता। आप चाहें तो काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं। हम इस पे ऐड कर रहे हैं पिस्ता। पिस्ता हेल्दी भी होता है और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं शक्कर पारे। जैसे कि मैंने आपको बताया ईद स्पेशल होने वाला है ये, जैसे ईद पर हम शीर बनाते हैं छोले वगैरह, तो उसके साथ आप ये वाली डिश भी आप ज़रूर ऐड करिएगा इस ईद पर। और आपने देखा ना ही हमने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं ना ही कुछ, और बहुत कम समय में बहुत जल्दी बन गया है। और जो इसकी हमने चाशनी बनाई थी उसका ऐसे करके भूरा बन गया है, ये
भूरा हम अलग चीजों में भी यूज कर सकते हैं, चाट वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम इसे यूज कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं जाएगा। और ये देखें इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी आ रही है माशाल्लाह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो हम चपाती बनाएंगे वो मोटी ही बनाएंगे, इसी वजह से कहा था ये जो शक्कर पारे हैं, अब आप देख सकते हैं इसके ये भी साइड से एकदम मतलब मोटा मोटा आ रहा है, अगर हम पतला करते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने देखा हमने बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में बहुत जल्दी बन चुके हैं, तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करें, जिसने सब्सक्राइब ना करा हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।